सभी व्यापारियों ने हमें भरोसा दिया है, और जब मैं बोल रहा हूँ सभी, तो लगभग सभी व्यापारियों ने भरोसा दिया है। वो खुल के साथ नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनका धंधा चौपट कर देंगे। लेकिन अंदर खाने एक एक व्यापारी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील भी है कि आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन इज्जत नहीं मिली तो क्या फ़ायदा हुआ। अगर एक छोटा मोटा इनका कार्यकर्ता भी अगर आपको फ़ोन करके आपको गाली गलौज कर सकता है, आपको धमकी दे सकता है, आपके साथ गुंडागर्दी कर सकता है, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। ये मौका है आपका, ये पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो आप। आपको हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे, और आपको सम्मान भी देंगे। आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बिना मान और सम्मान के क्या जिंदगी है। तो सभी व्यापारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। एक चीज और, आज मैं गुजरात की महिलाओं से और युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासतौर से। आप तो वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार आप अपने अपने घर में अपने जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए। उनको मनाइए, बिठाइए, पुचकारिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए। महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है। 15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे, इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हमने जो ऐलान किया है कि हर महिला के अकाउंट में 1000-1000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं, उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। हमने जो ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली में 7 साल से हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जितनी गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूल वालों ने मचा रखी थी वो सब खत्म की हमने। यहाँ पे भी अगले 5 साल कोई प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा, इससे परिवारों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। जितना इलाज का, दवाई का खर्च आता है, हम सभी परिवारों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, शानदार इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे और मुफ्त इलाज कराएंगे, इससे आपके घर का खर्चा बचेगा। तो अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है, अकेली आम आदमी पार्टी है जो रोजगार बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है। इसी वजह से ढेरों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने कहा कि जो पेपर फूटते हैं गुजरात के अंदर, इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जितने 12 केस हुए हैं पेपर फूटने के पिछले कुछ सालों में, सारे केसेस को खोला जाएगा और उनको 10-10 साल की सजा दिलवाई जाएगी जिन लोगों ने पेपर बेचने का काम किया। अगले 1 साल के अंदर सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर दी जाएगी और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इन सभी हमारे जो ऐलान हैं, इसकी वजह से खासकर युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, हमारे सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि युवाओं में और महिलाओं के अंदर हम बीजेपी से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे। दोनों के अंदर कोई मुकाबला नहीं बचा है। महिलाएं जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, युवा जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज युवाओं से और महिलाओं से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपने घर के एक एक सदस्य को आपको किसी भी तरह से बिठा के आपको मनाना है, वोट डलवाने ले जाना है।